हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाद्री वर्ल्ड। सो गाइस, मेरे आई मेकअप में मत जाइए, पूरा बिगड़ गया है आई मेकअप। मैं कट क्रीज करने जा रही थी, देखिए अब कैसा हो गया। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इग्नोर कीजिए इसको, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी करूँगी और कुछ बताऊँगी भी आपको उसके बारे में। तो मैं 3-4 बार वो प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ। श्रेया जैन ने रिकमेंड किया था, उसके रिकमेंडेशन पे मैंने ख़रीदा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, वो है ये वाला डॉट एंड की का। तो गाइस, जो फिजिकल एक्सफोलिएटर है वो हम लोग ऐसे स्क्रब यूज़ करते हैं, जैसे जैसे मैंने दिखाया था उस दिन, सेम टाइप्स का जो स्क्रब है, या फिर अब जो वॉलनट या एप्रिकॉट स्क्रब बहुत सारा मिलता है, वो थोड़ा हार्श होता है। वॉलनट और एप्रिकॉट जो स्क्रब होता है, तो आप पपाया ऐसा स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, जैसे बायोटिक का पपाया स्क्रब है, तो उस टाइप का वो है फिजिकल स्क्रब। तो उस वो लगाने के बाद हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे लगता है हमारी स्किन से पूरा स्मूथ हो गया, हमारी स्किन से जो ऊपरी का जो परत है वो पूरा निकल गया है, जो मतलब जो डर्ट है, ग्राइम है, वो निकल गया है। लेकिन वो थोड़ा हार्श होता है, क्योंकि वो आप अगर लॉन्ग टाइम तक लगाएंगे तो आपके स्किन पर जो माइक्रो टेयर्स जैसा कुछ हो जाएगा, जो आप हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, लाइक होल जैसा हो जाएगा। तो उससे सेफ है कि आप केमिकल एक्सफोलिएट यूज़ करें। तो केमिकल एक्सफोलिएट जो होता है, अब मैं बताऊंगी केमिकल एक्सफोलिएट क्या होता है। वो एक टाइप का एसिड होता है, तो उसमें जो ज़्यादातर केमिकल एक्सफोलिएट में मिलता है AHA और BHA। तो AHA होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड और BHA होता है बेटा हाइड्रोक्सिक एसिड। तो जो AHA होता है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब सेंसिटिव जो स्किन होता है उनके लिए ज़्यादा मतलब थोड़ा खतरनाक होता है। पहले पेस्ट टेस्ट करके कुछ दिन लगाना होगा आपको, फिर जाके आपको पता चलेगा कि वो आपके स्किन पे सूट करता है कि नहीं। BHA थोड़ा उससे कम हार्श होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। AHA जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और BHA जो होता है वो ऑयल सोल्यूबल होता है। AHA में आपको कौन कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है जो मिल्क से होता है, और सिट्रिक एसिड मिलता है जो आपको जो विटामिन सी जो फ्रूट्स होता है उनसे मिलता है, और फिर और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो AHA में मिलता है। फिर आपको BHA में भी आपको मिलता है, जैसे हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट में जो सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, एक्ने को ट्रीट करने के लिए, वो मिलता है BHA में। फिर AHA में ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है, ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो आपको AHA और BHA, ये दो टाइप के एसिड होता है। तो AHA जो होता है वो आपको क्या करता है, आपको जो स्किन का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे आपका जो पिगमेंटेशन होता है स्किन में या डार्क स्पॉट होता है, उसको अच्छे से मतलब क्लीन करता है। और BHA जो होता है वो आपके स्किन के अंदर, आपके पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, और करके आपका जो जैसे आपका जो एक्ने होता है उसको क्योर करता है। तो BHA जो होता है वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है, और AHA जो होता है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जब भी कोई AHA, ये वाला जो है ये सीरम फॉर्म में है, ये बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। ये आपको फेस पे लगा के 10 मिनट्स रखना है, फिर वॉश कर लेना है, तो वो बहुत स्मूथली आपके स्किन से जो डेड स्किन होता है वो उसको रिमूव करता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका उसमें जो परसेंटेज होता है वो कम होना है, जैसे इसमें AHA 10% है, बहुत ज़्यादा है। तो वो मैंने तो देखा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं वो कम जो परसेंटेज होते हैं उससे स्टार्ट कीजिए, और वीक में 1 टाइम यूज़ कीजिए, फिर आप उसका जो टाइम है वो बढ़ाइए। और BHA से AHA ज़्यादा मतलब हार्श होता है, तो थोड़ा लगाने के पहले आप पेस्ट टेस्ट करके देखिए, अगर आपको सूट करता है तो आप लगाइए, बहुत ही अच्छा होता है। इस सुन के कोई डर जाएगा कि एसिड है या कुछ है तो ख़राब होगा स्किन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एसिड होने से स्किन के लिए ख़राब होगा ऐसा कुछ नहीं है, उससे ख़राब जो हम फिजिकल एक्सफोलिएट करते हैं वो ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारे स्किन पे वो माइक्रो टेयर्स जो हमको दिखाई नहीं देता वो हो जाता है स्किन पे। तो आप केमिकल एक्सफोलिएट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था मेरा रिव्यू। तो अब मार्केट में तो बहुत सारा मिलता है, ये एक्चुअली जो ऑर्डिनरी का जो AHA और BHA जो सेरम है उसका डुप है, ये डॉट एंड की का जो AHA एंड BHA सेरम है। तो वो वाला तो इंडिया में नहीं मिलता और बहुत कॉस्टली भी है, तो ये वाला आपको इजीली मिल जाएगी। ये भी कॉस्टली है, 1000 के ऊपर है, फिर भी ये अच्छा है। तो ये था मेरा रिव्यू इसके ऊपर। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे, आप
आप अगर AHA BHA यूज़ करना चाहते हैं, एक्सफोलिएटिंग सीरम जो आपको जो केमिकल एक्सफोलिएटर होता है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बेस्ट टेस्ट करके देख लीजिए कि आपको वो सूट करता है कि नहीं। तो अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको देती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद में जो बेल बटन उसे भी दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज़।